इंडियन वेब सीरीज की अगर हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले टीवीएफ वालों ने शुरुआत की और आज दिल छू लेने वाले और इमोशन से कनेक्ट कर देने वाली माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस वेब सीरीज आ चुकी है। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवा। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पे अवेलेबल टॉप 5 इंडियन रोमांटिक वेब सीरीज के बारे में। नंबर 5 पे आती है एनसीआर डेज। ये सीरीज फुल डोज है राउडिज्म, लव, फ्रेंडशिप और कॉमेडी का। इस सीरीज की स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले इतना दमदार है कि आपको कनेक्ट करके रखेगी। स्टोरी है दो लोगों की, नवीन और मोनिस। नवीन जो अपने पास्ट को भुला करके कुछ अच्छा कर दिखाने की और चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अच्छी जॉब ना होने की वजह से अपनी लव लाइफ को ऑलमोस्ट खो देने का डर लिए घूम रहा है मोनिस। जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं सभी ने जबरदस्त एक्टिंग की है और अमरीश और निखिल ने जो हरियाणवी एक्सेंट का पकड़ा है वो काफी जबरदस्त है। सीरीज में हार्ड हिटिंग डायलॉग के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक है जो काफी दमदार है, जो सीन्स को इंटेंस बनाता है। नंबर 4 पे आती है कॉलेज रोमांस। ये कॉलेज टाइम रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। कहानी है तीन बेस्ट फ्रेंड ट्रिपी, करण और नायरा के बारे में, जो साथ में कॉलेज स्टार्ट करते हैं। फिर वहां से उनकी फ्रेंडशिप और लोगों से होती है, फिर स्टार्ट होता है रोमांस और कॉमेडी का भरपूर डोज। 4 सीजन आ चुके हैं इस सीरीज के, 5 एपिसोड हर एक सीजन में है। सीरीज आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेगी, स्पेशली जब बग्गे की इंटरव्यू होती है। जैसा इसका चार्म है, बिहेवियर है और बात करने का अंदाज है, आपको फुल इंटरटेन करेगा। रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप का ओवरडोज है ये सीरीज। स्टार्ट करते ही कनेक्ट हो जाओगे आप। सीरीज में ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज होने की वजह से ये 18 प्लस में आती है। नंबर 3 पे आती है फ्लेम्स। ये सीरीज आपको स्कूल लाइफ में लेकर के जाती है। दिल्ली का एक ट्यूशन सेंटर जहां 3 दोस्त रजत, पांडे और अनुषा स्टडी कर रहे होते हैं और यहां एंट्री होती है इशिता की। और फिर स्टार्ट होता है सीरीज का रोमांच, कैसे आपको पहला प्यार होता है और आप बस बात करने और मिलने से कितना खुश हो जाते हो। सीरीज की स्टोरी और स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आप इनकी दुनिया में खो जाओगे कहीं। स्टूडेंट लाइफ के साथ रिलेशनशिप को जो पैरलर लेकर के ये चलती है ये सीरीज, वो आपको एंटरटेन करेगी। अगर आपको स्कूल लाइफ में ऐसी कोई स्टोरी है तो आप जरूर रिलेट करोगे और सीरीज से कनेक्ट होकर के जरूर देखोगे। नंबर 2 पे आती है परमानेंट रूममेट्स। 2014 में आई टीवीएफ की फर्स्ट वेब सीरीज, जिसके आते ही इंडिया में वो घिसी पिटे सास बहु सीरियल से लोग थोड़ा क्वालिटी कंटेंट पे शिफ्ट होने लगे। ये सीरीज रेवोल्यूशन है इंडियन वेब सीरीज की। बात करें अगर इस सीरीज की कहानी की तो सुमित व्यास यानी मुकेश, जो यूएस से रिटर्न कर अपनी गर्लफ्रेंड तानी से शादी करना चाहता है। फिर स्टार्ट होता है सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न और कॉमेडी का ओवरडोज। सीरीज आपको रोलर कोस्टर इमोशन पर लेकर के जाती है और आपको खूब इंटरटेनमेंट करेगी। पुरुषोत्तम का जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है वो काफी हिलेरियस है। सीरीज की जो स्टोरी, कास्टिंग और सभी की परफॉर्मेंस है वो एकदम जबरदस्त है। अगर आपने इंडिया की फर्स्ट सीरीज नहीं देखा तो क्या देखा फिर आपने। नंबर 1 पे आती है लिटिल थिंग्स। इस सीरीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्यार करने का असली मतलब समझाती है ये सीरीज। कहानी है एक कपल के बारे में, ध्रुव और काव्या। सीरीज में जो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी का जो लेवल दिखाया गया है वो काफी दिलचस्प है। आप सीरीज देखते ही इन दोनों की दुनिया में खो जाओगे। अगर आप भी रिलेशनशिप में हो तो आपको वो सारी बातें और हरकतें भी रिलेटेबल लगेगी। सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों की बॉन्डिंग और लव जो आपके सामने रखा गया है वो काफी नेचुरल और इमोशनल लगेगा। जैसा इस सीरीज का टाइटल है वैसे ही इसने फोकस भी किया है हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पे। मेरी तो ये फेवरेट सीरीज है। आप भी इस प्यारी सी लव स्टोरी को एक ट्राई जरूर दें। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू और सजेशंस के लिए। थैंक यू।